गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? नाउ वी विल रीड लेसन 6, क्वेश्चन आंसर. डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 6, द कैट एंड द रैट के क्वेश्चन आंसर रीड कर रही हूँ. फर्स्ट है, व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट? बिल्ली ने चूहे को क्या किया? आंसर है, द कैट बिट ऑफ द टेल ऑफ द रैट. चूहे की पूंछ से बिल्ली का बच्चा निकला. नाउ अगेन रीड, व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट? बिल्ली ने चूहे को क्या किया? आंसर है, द कैट बिट ऑफ द टेल ऑफ द रैट. चूहे की पूंछ से बिल्ली का बच्चा निकला. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द कैट आस्क रैट इन रिटर्न फॉर हिज टेल? बिल्ली ने अपनी पूंछ के बदले में चूहे से क्या मांगा? आंसर है, द कैट आस्क काउज मिल्क इन रिटर्न फॉर हिज टेल. बिल्ली ने पूंछ के बदले में गाय का दूध मांगा. नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द कैट आस्क रैट इन रिटर्न फॉर हिज टेल? बिल्ली ने अपनी पूंछ के बदले में चूहे से क्या मांगा? आंसर है, द कैट आस्क्ड काउज मिल्क इन रिटर्न फॉर हिज टेल. बिल्ली ने पूंछ के बदले में गाय का दूध मांगा. नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन, व्हाट डिड द काउ द फार्मर एंड द बेकर गिव द रैट? गाय, किसान और बेकर ने चूहे को क्या दिया? आंसर है, द काउ एंड द फार्मर गेव नथिंग टू द रैट. गाय और किसान ने चूहे को कुछ नहीं दिया, बट द बेकर गेव ब्रेड टू द रैट. लेकिन बेकर ने चूहे को रोटी दे दी. नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द काउ द फार्मर एंड द बेकर गिव द रैट? चूहे, गाय, किसान और बेकर ने चूहे को क्या दिया? आंसर है, द काउ एंड द फार्मर गेव नथिंग टू द रैट, बट द बेकर गेव ब्रेड टू द रैट. गाय और किसान ने चूहे को कुछ नहीं दिया, लेकिन बेकर ने चूहे को रोटी दे दी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक दैट द टेल कैन रियली बी पुट बैक? क्या आप सोचते हैं कि उस पूंछ को वास्तव में वापस लाया जा सकता है? आंसर है, नो, द टेल कैन नॉट रियली बी पुट बैक. नहीं, पूंछ को वापस नहीं लाया जा सकता. नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक दैट द टेल कैन रियली बी पुट बैक? क्या आप सोचते हैं कि उस पूंछ को वापस लाया जा सकता है? आंसर है, नो, द टेल कैन नॉट रियली बी पुट बैक. नहीं, पूंछ को वापस नहीं लाया जा सकता. नाउ वी विल रीड लेसन 6 बैक साइड. डियर स्टूडेंट, अब हम लेसन 6 की बैक साइज रीड कर रहे हैं. फर्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. जो विकल्प दे रखे हैं उसमें से जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है. फर्स्ट है, द रैट डैश ऑफ, चूहा डैश. फर्स्ट ए ऑप्शन है, ए स्किप्ड छोड़ दिया. बी है, बिट अंशिया टुकड़ा. सी है, जम्प्ड, जम्प्ड ते कूद गया. दार आंसर है सी, जम्प्ड. द रैट जम्प्ड ऑफ, चूहा कूद गया. सेकंड है, द रैट वेंट टू द फार्मर फॉर, चूहा किसान के पास डैश के लिए गया. ऑप्शंस हैं, ए मिल्क यानी कि दूध, बी हे यानी कि सूखी घास, सी है ब्रेड रोटी. चूहा किसके लिए गया था किसान के पास? आंसर है बी, हे यानी कि इस घास के लिए. द रैट वेंट टू द फार्मर फॉर हे, चूहा किसान के पास घास के लिए गया. थर्ड है, द डैश गेव द ब्रेड टू द रैट, डैश ने चूहे को रोटी दी. ऑप्शंस हैं, ए फार्मर यानी कि किसान, बी काउ यानी कि गाय, सी बेकर यानी कि रोटी बनाने वाला. डैश ने चूहे को रोटी दी. किसने दी थी चूहे को रोटी? आंसर है ऑप्शन सी, बेकर. द बेकर गेव द ब्रेड टू द रैट, रोटी बनाने वाले ने चूहे को रोटी दी. नाउ अगेन रीड
टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जो विकल्प दे रखे हैं उसमें से जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है द रेड डैश ऑफ, चूहा डैश ए है ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्किप्ड यानी कि छोड़ दिया, बी है बिट अंश, सी है ऑप्शन सी है जम्प्ड कूद गया। द आंसर है ऑप्शन सी, द रैट जम्प्ड ऑफ, चूहा कूद गया। सेकंड है द रैट वेंट टू द फार्मर फॉर डैश, चूहा किसान के पास डैश के लिए गया। ऑप्शन है ए मिल्क यानी कि दूध, बी है घास, सी ब्रेड यानी कि रोटी। चूहा किसान के पास किसके लिए गया था, आंसर है ऑप्शन बी हे यानी कि सूखी घास के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, द डैश गेव द ब्रेड टू द रैट, डैश ने चूहे को रोटी दी। ऑप्शंस है ए फार्मर यानी कि किसान, बी काओ यानी गाय, सी बेकर रोटी बनाने वाला। किसने चूहे को रोटी दी थी, आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बेकर द बेकर गेव द ब्रेड टू द रैट, रोटी बनाने वाले ने चूहे को रोटी दी। नेक्स्ट है हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे। फर्स्ट है गिव मी बैक माई टेल, मुझे मेरी पूंछ वापस दे दो। किसने कहे थे ये शब्द, द रैट चूहे ने कहे थे। सेकंड है फर्स्ट ब्रिंग मी सम ग्रास फ्रॉम द फार्मर, पहले मुझे किसान से थोड़ी घास ला दो। ये शब्द किसने कहे थे, आंसर है द काओ गाय ने। थर्ड है फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मी सम ब्रेड फ्रॉम द बेकर, पहले जाओ और मुझे बेकर से कुछ रोटी ला कर दो। किसने कहे थे ये शब्द, द फार्मर किसान ने। नाउ अगेन रीड बी पार्ट है इसका, हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे। फर्स्ट है गिव मी बैक माई टेल, मुझे मेरी पूंछ वापस दे दो। किसने कही थी कि मेरी पूंछ वापस दे दो, आंसर है द रैट चूहे ने। सेकंड है फर्स्ट ब्रिंग मी सम ग्रास फ्रॉम द फार्मर, पहले मुझे किसान से थोड़ी घास ला दो। किसने कहे थे ये शब्द, आंसर है द काउ गाय ने। थर्ड है फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मी सम ब्रेड फ्रॉम द बेकर, पहले जाओ और मुझे बेकर से कुछ रोटी ला कर दो। किसने कहे थे ये शब्द, पहले जाओ और मुझे बेकर से कुछ रोटी ला कर दो, आंसर है द फार्मर किसान ने कहे थे ये शब्द। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर, इन चित्रों को देखें एंड कंप्लीट द वर्ड्स, और इन शब्दों को पूरा करें। फर्स्ट पिक्चर है किसकी, चूहे की, यानी कि इसको कहते हैं रैट, आर ए टी रैट, रैट होता है चूहा। सेकंड पिक्चर है घास, जी आर ए डबल एस ग्रास, ग्रास को कहते हैं घास। थर्ड है किसान, एफ ए आर एम ई आर फार्मर होता है किसान। फोर्थ है ब्रेड, बी आर ई ए डी ब्रेड होता है रोटी। नेक्स्ट है बेकर, बी ए के ई आर बेकर होता है रोटी बनाने वाला। नंबर सिक्स है कैट, सी ए टी कैट होता है बिल्ली। नाउ अगेन रीड लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स, इन चित्रों को देखें और शब्दों को पूरा करें। फर्स्ट पिक्चर है चूहे की, यानी कि आर ए टी रैट। सेकंड पिक्चर है घास, यानी कि घास को कहते हैं इंग्लिश में ग्रास, जी आर ए डबल एस ग्रास। थर्ड है किसान की, एफ ए आर एम ई आर फार्मर होता है किसान। फोर्थ है ब्रेड, बी आर ई ए डी ब्रेड होता है रोटी। नेक्स्ट पिक्चर है बेकर, यानी कि रोटी बनाने वाला, बी ए के ई आर बेकर रोटी बनाने वाला। नेक्स्ट है बिल्ली यानी कि कैट, सी ए टी कैट होता है बिल्ली।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद ही शी और दे, वह या वे के साथ रिक्त स्थान भरें। बच्चों इसके साथ ही का यूज़ होता है, यदि कोई लड़की की बात हो रही है तो शी का यूज़ होगा और आर के साथ हमेशा दे यूज़ होता है। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। डैश इज क्लोजिंग द डोर, वह दरवाजा बंद कर रहा है। इज आ गया तो इसके साथ किसका यूज़ होना है, ही। ही इज क्लोजिंग द डोर, वह दरवाजा बंद कर रहा है। नेक्स्ट है डैश इज राइडिंग हर बाईसाइकिल, अपनी साइकिल की सवारी कर रही है। लड़की की बात हो रही है तो क्या यूज होगा, शी। शी इज राइडिंग हर बाईसाइकिल, वह अपनी साइकिल की सवारी कर रही है। डैश इज स्लीपिंग, सो रहा है ही। He is sleeping. Is का यूज हुआ है, इसके साथ होता है ही। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। नेक्स्ट है फॉर डैश आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। बच्चों मैंने क्या कहा था कि आर जब आएगा उसके साथ दे यूज होगा, तो इसमें क्या यूज होगा, दे। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। नाउ अगेन रीड, फिल इन द ब्लैंक्स विद ही शी और दे, वह या वे के साथ रिक्त स्थान भरें। बच्चों इसके साथ हमेशा ही यूज होगा, यदि कोई लड़की की बात हो रही है तो शी यूज होगा और आर के साथ हमेशा दे लगता है। स्टार्ट करते हैं। डैश ही इज क्लोजिंग द डोर, इसका यूज हुआ है तो इसके साथ होगा ही। ही इज क्लोजिंग द डोर, वह दरवाजा बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड, डैश इज राइडिंग हर बाईसाइकिल, हर यानी कि लड़की की बात हो रही है तो क्या होगा यूज, शी। शी इज राइडिंग हर बाईसाइकिल, वह अपनी साइकिल की सवारी कर रही है। नेक्स्ट है थर्ड, डैश इज स्लीपिंग, इज है तो ही यूज होगा, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। फोर्थ है डैश आर प्लेइंग, बच्चों मैंने बताया था कि आर के साथ दे यूज होता है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज की है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको इसको घर पर दोबारा से लर्न करना है और अपनी बुक्स में भरना है। बच्चों जो भी आपको काम स्कूल से दिया जाता है उसे साफ व अच्छे ढंग से फेयर कॉपीज में करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।